Hello students, good morning and welcome to Online Tayari. Welcome to the session of Hindi Current Affairs. Shuruaat karte hain first question se, aur first question hai, Bharat aur Norway ne haal hi mein satat vikas ke liye Bharat-Norway task force khola gaya hai. Ye nimnlikhit mein se kisne kiske liye sanchalit kiya hai? Aapke paas option hai, option A, blue economy, option B hai, green economy, ऑप्शन सी है ब्राउन इकोनॉमी और ऑप्शन डी है गोल्डन इकोनॉमी. अगर आपको सही उत्तर पता है तो हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं. और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्लू इकोनॉमी. सतत विकास के लिए ब्लू इकोनॉमी पर भारत नॉर्वे टास्क फोर्स को पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और नॉर्वे के जलवायु और पर्यावरण मंत्री श्री सविनो रोटेवटन द्वारा मरीन लेटर का मुकाबला करने की कई परियोजनाओं को संयुक्त पहल के रूप में खोला गया है. दोनों देशों ने एकीकृत महासागर प्रबंधन और अनुसंधान पर सहयोग के लिए हाथ मिलाया है. नोट करने लायक बात यह है कि ब्लू इकोनॉमी आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और नौकरियों के लिए महासागरीय संसाधनों का सतत उपयोग है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. APEDA और SFAC द्वारा हस्ताक्षरित MOU के संबंध में यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि उनमें से सही विकल्प कौन सा है. पहला कथन है, MOU ने उत्तर पूर्व में ब्लू इकोनॉमी आधारित बिजनेस प्रमोशन यूनिट स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है. और दूसरा है, समझौता ज्ञापन ने किसान उत्पादक संगठनों FPO को जोड़ने की परिकल्पना की है. तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन, यानी कि सिर्फ दूसरा कथन यहाँ पे सही है. पहला कथन की बात करें तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA और छोटे किसान कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम SFAC ने किसान की आय को दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उत्तर पूर्व में एक कृषि व्यवसाय संबंधन इकाई स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. कथन दो के बारे में बात करें तो APEDA और SFAC ने किसान उत्पादक संगठन और किसान सहकारी समितियों को निर्यात श्रृंखला मूल्य के साथ जोड़ने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. APEDA को 1985 में संसद के एक अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य APEDA के विशिष्ट उत्पादों के निर्यात को विकसित और बढ़ावा देना था. SFAC की स्थापना 1994 में किसान उत्पादक संगठन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3. फिल इन द ब्लैंक्स के वैज्ञानिकों द्वारा एक रसायन मुक्त सैनिटाइजर विकसित किया गया है. अब आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा. और आपके पास ऑप्शन है CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च. ऑप्शन बी है CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी. ऑप्शन सी है CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी. और ऑप्शन डी है CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन. और इसका सही उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी. CSIR, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी, जिसे IHBT के नाम से जानते हैं, उसके वैज्ञानिकों द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार फ्लेवर सैनिटाइजर में प्राकृतिक सुगंध, सक्रिय चाय के घटक और अल्कोहल की मात्रा का उपयोग करके सैनिटाइजर विकसित किया गया है. इस उत्पाद में पैराबिन्स, ट्राइक्लोसन, सिंथेटिक खुशबू और फॉथलेट्स जैसे रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है. इस नव विकसित हैंड सैनिटाइजर तैयार करने की तकनीक को पालमपुर स्थित कंपनी मेसर्स AB साइंटिफिक सॉल्यूशंस को स्थानांतरित कर दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. भारतीय वायुसेना और म्यांमार वायुसेना के बीच हाल ही में संयुक्त वायु अभ्यास फिल इन द ब्लैंक्स विषय के साथ आयोजित किया गया है. आपके पास ऑप्शन है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ. ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन मिलिट्री ऑपरेशंस. ऑप्शन सी है इम्प्रूविंग कनेक्टिविटी. और ऑप्शन डी है अंडरटेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. सही उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ.
भारतीय वायुसेना और म्यांमार वायुसेना के बीच संयुक्त वायु अभ्यास का आयोजन प्रयागराज में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ विषय के साथ किया गया था। वायु अभ्यास मुख्यालय केंद्रीय वायु कमान भारतीय वायुसेना आईएएफ के मार्गदर्शन में किया गया था और इसमें भारतीय वायुसेना की 20 सदस्यीय टीम की भागीदारी देखी गई थी। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की ओर। G20 रियाद शिखर सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी सऊदी अरब। डी इज द राइट आंसर, यानी कि सऊदी अरब। सऊदी अरब 2020 G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा जो सार्क के नक्शे कदम पर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक आभासी माध्यम से G20 रियाद शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। सिक्स क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। HIL इंडिया ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी है सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन सी है कैनरा बैंक और ऑप्शन डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यानी कि डी ऑप्शन सही उत्तर है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग के अधीनस्थ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम HIL इंडिया लिमिटेड ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है। HIL लिमिटेड के इस कस्टमर पेमेंट पोर्टल का उद्देश्य अपने ग्राहकों से विभिन्न ऑनलाइन तरीकों से भुगतान प्राप्त करना है ताकि बकाया धनराशि का त्वरित एवं सुगम संग्रह हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में लॉन्च हुई रोपैक्स फेरी को किन दो स्थानों के बीच शुरू की गई है? ऑप्शन ए मुंबई और मांडवा, ऑप्शन बी मांडवा और तरकली, ऑप्शन सी है मुंबई और पंजिम और ऑप्शन डी है मुंबई और पांड्रे। ए ऑप्शन मुंबई और मांडवा सही उत्तर है। केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया और महाराष्ट्र बंदरगाह और समुद्री बोर्ड के अधिकारियों की उपस्थिति में 15 मार्च 2020 को अलीबाग के पास मुंबई और मांडवा के बीच एक रोल ऑन रोल ऑफ सहयात्री रोपैक्स फेरी सेवा शुरू की गई है। ग्रीस में बनाया गया जहाज 200 कारों और 1000 यात्रियों को ले जा सकता है और मॉनसून के दौरान भी चलने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अफ्रीकन लॉयन किन दो देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ए मोरक्को और फ्रांस, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका और मोरक्को, ऑप्शन सी ट्यूनीशिया और मोरक्को और ऑप्शन डी है फ्रांस और ट्यूनीशिया। तो ऑप्शन बी यहां पे सही उत्तर है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मोरक्को। अमेरिका और मोरक्को के बीच, संयुक्त राज्य अमेरिका और मोरक्को के बीच सैन्य अभ्यास जिसे हम एफ्रीकॉम के नाम से भी जानते हैं, उसके निर्देशों के अनुसार कोरोना वायरस महामारी COVID-19 के कारण रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित करने की योजना है? पहला ऑप्शन है टोक्यो जापान, ऑप्शन बी है शंघाई चीन, ऑप्शन सी है ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना और ऑप्शन डी है क्योटो जापान। तो पहला ऑप्शन टोक्यो जापान इज द राइट आंसर। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रतिज्ञा की कि योजना अनुसार टोक्यो ओलंपिक जुलाई में आयोजित किया जाएगा और कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र इसे स्थगित नहीं किया जाएगा। जापानी संसद ने हाल ही में कानून को मंजूरी दी थी कि जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे का COVID-19 का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन की स्थिति घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विमान विधेयक 2020 निम्नलिखित में से किसको सांविधिक निकायों में परिवर्तित करना चाहता है? पहला ऑप्शन है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, दूसरा ऑप्शन है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन जो है यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ही सही है। यहाँ पे
विमान विधेयक जो 1934 के विमान अधिनियम में संशोधन करना चाहता है, उसने मौजूदा नियामक निकायों अर्थात नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA और नागरिक उड्डयन ब्यूरो BCAS और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB को सांविधिक निकायों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके बाद अधिकारियों को एक महानिदेशक द्वारा जोड़ा जाएगा जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे खत्म होते हैं आज के क्वेश्चन। अगले दिन फिर मिलेंगे 10 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड टू ऑनलाइन तैयारी। थैंक यू।